हाय गाइस, व्हाट्सअप दिसे का स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अनफ्रीज कैसे कर सकते हो। अगर आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, आपका अकाउंट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी गाइस, इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंस्टाग्राम के रिलेटेड जेन्युइन कॉन्टेंट लाते रहते हैं। सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिसेबल कर दिए थे। ओके, गूगल क्रोम से जाके इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्परेरी डिसेबल कर दिए थे 24 घंटों के लिए। उसके बाद जो उनका रीच है वो जो प्लस माइनस में दिखता है ना, वो बिल्कुल क्लीन हो गया, मतलब पूरा डाटा क्लियर हो गया। तो भाई देखो, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। मान लीजिए जो आपका दिखता है ना इनसाइट में, जब आप इनसाइट पर क्लिक करते हो एंड यहाँ पर प्लस माइनस कुछ लोग में नहीं दिखता है, जैसे कि आप लोग साइड में देख सकते हो जो प्लस माइनस नीचे दिख रहा है ना, वो नहीं दिखता है जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट को डिसेबल कर दोगे या प्राइवेट रखे रहते हो। देखिए, मान लो आप अकाउंट को 24 घंटों के लिए डिसेबल कर दिए, उसके बाद आपने ओपन किया और उसके बाद यहाँ पर जो प्लस माइनस दिखता है वो एकदम क्लीन हो गया। उसके बाद आपको कोई भी रील नहीं अपलोड करना। कुछ लोग यही गलती करते हैं, जब वो अकाउंट को डिसेबल करते हैं और उसके बाद जैसे रीओपन करते हैं तो फिर रील तुरंत अपलोड कर देते हैं। भाई देखो, वहाँ पर रील आपको अपलोड नहीं करना है, आपको तब तक वेट करना है जब तक इसमें प्लस माइनस ना दिखने लगे। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने भी वेट किया था, अब देखो इसमें प्लस दिखने लगा और धीरे धीरे मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे भी रील्स में व्यूज़ आने लगे। देखो मैं आपको, रुको दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें 1400 है और एक में है 4500 व्यूज़ और एक में 3545 और 500। पहले तो यार 200-300 इतने ही आते थे जो कि मेरे फॉलोअर्स से। ओके, बाकी अब एक्सप्लोर में भी जाती है। तो आपको इसी तरीके से करना है कि अकाउंट डिसेबल कर देना है, उसके बाद 24 घंटों तक केवल, उसके बाद आपको रीओपन करना है और तब तक वेट करना है जब तक आपका डाटा वापस ना आ जाए, मतलब 15-20 दिन, इतने दिन तो वेट करना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको ना ट्रेंडिंग म्यूजिक को यूज करना है। अगर आप ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करोगे, उस पर वीडियो बनाओगे, ट्रेंडिंग रील वीडियो बनाओगे, तो उससे भी आपका कोई भी वीडियो चल जाएगा ना, मान लो 1,00,000, 2,00,000, 20,000, 25,000, तो अकाउंट को बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक सब वीडियो में व्यूज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ नए ऑडियंस आ जाएंगे तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक आपके अकाउंट को सही कर देगा। दूसरी चीज़ ये है ट्रेंडिंग म्यूजिक, और फर्स्ट मैंने बताया कि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को डिसेबल करके 24 घंटे बाद ओपन करना है। देन उसके बाद जब उसमें प्लस माइनस दिखेगा, जो है 15-20 दिन, एक महीना लग जाए, आपको वेट करना है, देन उसके बाद आपका अकाउंट सही हो जाए। तीसरी चीज़ ये है कि आपको ना कोलैब करना है बड़े अकाउंट से। मान लीजिए मेरा अकाउंट ये है, ओके, और इसमें व्यूज नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, तो मैं एक न्यू अकाउंट बनाऊंगा। न्यू अकाउंट बनाने के बाद उस पर करना क्या पड़ेगा कि इस अकाउंट से कोलैब करके रील अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादातर देखोगे तो कोलैब में व्यूज आ ही जाता है, मैंने खुद ही ट्राई किया है। मान लो आप कोई न्यू अकाउंट बनाए हो और उस पर व्यूज नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप अपनी फर्स्ट आईडी से कोलैब करोगे तो आपके व्यूज पक्का आ जाते हैं। आप लोग ऐसा ट्राई करो, कोलैब से भी बूस्ट मिलता है। आपको कुछ दिन बड़े बड़े अकाउंट से लगातार कोलैब करना पड़ेगा 4-5 रील में। ओके, एंड नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, आपको करना यह है कि रिमिक्स करना है बड़े बड़े वीडियो के साथ। जैसे मान लो कोई वीडियो बहुत ज्यादा वायरल चल रही है, उस पर काफी ज्यादा इंगेज है, काफी ज्यादा कमेंट है, लाइक है, तो आपको उसके साथ रिमिक्स करना है और कुछ इस टाइप का बनाना है, एक्साइटेड क्लिकबेट करना है जिससे आपकी वीडियो चल जाए। और वीडियो चल गई तो भाई मान लीजिए आपका अकाउंट तो सही हो जाएगा। और बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको अगर कुछ भी नहीं करना है तो भाई देखो, आपको न्यू अकाउंट बना लेना है और फिर से ग्रो कर लेना है। देखो, जो चीज़ मैंने बताया ये सारे चीज़ आप ट्राई करिए, आपके में पक्का होगा ये। ओके, अगर नहीं होगा तो आपको न्यू अकाउंट बना के ग्रो करना पड़ेगा, और कोई भी चांस नहीं है। और न्यू अकाउंट को ग्रो करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं बहुत ट्राई करता हूँ, कोई भी अकाउंट ग्रो नहीं होता। तो देखो, इस समय ऐसा एल्गोरिथम हो गया है ना, अगर आप जब तक 2-3 महीने वर्क नहीं करोगे आपका अकाउंट नहीं ग्रो होगा। पहले था कि आप 10-15 दिन रील डालोगे तो सब पे व्यूज आ जाता था और अकाउंट ग्रो हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ओके, तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड के पास, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।